विवेक जी, एक तो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पूरे देशवासियों, पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व का पल था वो जब आप लोगों ने मेडल जीता, क्योंकि ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मेडल जीतने का अनुभव आपका कैसा रहा? आपने जैसे बताया, ओलंपिक जैसा इवेंट हर एक बच्चे का, हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है वहाँ पे खेलना और देश के लिए मेडल लाना। और वहाँ जैसे कि मैं बोलूँगा कि ये बैक टू बैक मेरा दूसरा मेडल है ओलंपिक में, तो जो कोविड वाला ओलंपिक था उसमें जो सपोर्टर्स और जो हॉकी प्रेमी थे उनका सब वहाँ पर आना रिस्ट्रिक्ट था, लेकिन इस वाले में जो था उनकी वजह से हम लोग का एक अलग ही कॉन्फिडेंट था और अलग ही एक बोल सकते हैं मोटिव थे। हम लोग एक मोटिव से जा रहे थे अपने टीम को गोल लाने के उसमें, क्योंकि एक जो बाहर का सपोर्ट था, बाहर से जितने भी खेल प्रेमी आ रहे थे मिलना, उनका बातें करना, एक अलग ही अंदर से जोश आता है जब आपके साथ में पूरा इंडिया आपके साथ हो, तो ये एक्सपीरियंस मैंने फील किया है। सेमीफाइनल इतना टफ मैच था, बहुत क्लोज कॉल था इंडिया के लिए, बहुत क्लोज हम लोग हारे, उसी के चंद घंटों बाद ब्रोंज मेडल के लिए आपको वापस से मैदान में उतरना था, तो ऐसे टाइम पर खिलाड़ियों को वापस उसी मेंटल स्टेट में आना कि भाई वो मानसिक रूप से फिर से एक और अन्य मैच, एक मेडल मैच के लिए तैयार हो पाए, वो कितना डिफिकल्ट रहता है? और उस समय कैसे, उस हार के बाद उस ब्रोंज मेडल मैच के लिए खिलाड़ियों ने अपने आप को तैयार किया? पहला तो ये कि जब लाइक आप हारते हैं तो एक हार्ड वर्क के मोमेंट हमारे लिए तो बहुत बड़ा, क्योंकि इतने क्लोज मार्जिन से और हम इतना परफॉर्मेंस अच्छा करे तो मेरा भी फील था, लेकिन वो होने के बाद आप कैसे बैक टू बैक ट्रैक आते हैं, वो होता है जब आप टीम से बात करते हैं। अनुराग की जब हम लोग हारे और उस रात जो थी शायद कोई भी प्लेयर अच्छे से भूल नहीं पाएगा वो चीज़ को, जो नेक्स्ट सुबह हुई ब्रेकफास्ट कर हम लोगों ने सभी ने यही बात की क्यों ना हम देश के लिए खाली हाथ ना लौटें, क्योंकि एक ही चांस था। और जैसा कि आपको पता है सीरीज भाई का लास्ट टूर्नामेंट भी था, लास्ट मैच भी था, तो हमने डिसाइड किया ये जो भी मेडल आएगा हमारा, हम लोग पूरा मेडल उनको डेडिकेट करेंगे अपने प्लेयर को जो सीरियस आए। क्या हम ये माने कि जो हॉकी का चार्म और हॉकी की परफॉर्मेंस हम 1930, 40 और 50 के दशक में भारत की तरफ से देखते थे, अब फिर से इंडिया उसी, इंडिया का हॉकी उसी ट्रैक पर अब जा रहा है और हम इस तरीके के परफॉर्मेंसेस और इससे और बेहतर रिजल्ट्स और परफॉर्मेंसेस आने वाले भविष्य में, आने वाले सालों में देखेंगे इंडियन हॉकी टीम से? बिल्कुल हाँ, और इसके लिए मैं पहले बोलूंगा कि जो इंडियन के हॉकी प्रेमी हैं, जो सपोर्टर हैं, उनकी वजह से ही हम लोग दोबारा ये चीज मुकाम हासिल कर पाए, क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग 1980 के बाद से 41 साल बाद मेडल आया है, तो जो ग्लोरी है बैक टू बैक मेडल आने की वजह से सभी देशवासियों की जो उम्मीदें बढ़ गई है हॉकी से, और एक वो वही नजर से देख रहे हैं जो 1928 के जो मेडल आते थे उस टाइम से, तो मैं, मुझे पूरा भरोसा है मेरी टीम जिस हिसाब से खेल रही है तो हम लोग पूरे देशवासियों की जो उम्मीद है उस पर जीतेंगे। बिल्कुल। एक कितनी उम्र में आपने हॉकी खेलना शुरू किया था? जब मैं 11 साल का था तब मैंने पहले स्टिक पकड़ा था और उसी टाइम से मैंने धीरे धीरे टूटे स्टिक से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करके मैं ऊपर गया। हॉकी में करियर बनाने की प्रेरणा आपको किन से मिली? जब मैं स्टार्टिंग में था मगर कि वहाँ पर सीनियर थे उनके साथ खेलना, लाइक जब मैं एकेडमी में पहुंचा तो मुझे अशोक कुमार ध्यानचंद जी जो हैं उनके छोटे छोटे गुण उन्होंने सिखाए, उन्हीं के वजह से ही मैंने अपनी हॉकी को एक करियर के रूप में देखा। और क्या होता है कि यहाँ पर अपने यहाँ माइंड सेट है कि बच्चे का करियर स्पोर्ट्स में नहीं बन सकता, वो सिक्योरिटी पेरेंट्स फील नहीं करते, सोसाइटी हमारा समाज जो है वो भी उतना सपोर्टिव नहीं रहता है यंग एज में जब तक आप परफॉर्म नहीं करो, वो यही बोलते हैं कि भाई जो भी आपका करियर बनेगा, भविष्य जो भी बनेगा वो पढ़ाई से, हायर एजुकेशन से ही बनेगा। तो क्या इस तरीके के चैलेंजेस जब आप हॉकी करियर में ग्रो कर रहे थे तब आपको भी फेस करने पड़े कि भाई लोगों की निगाहें थी कि यार नहीं इसको पढ़ाई में जाना चाहिए, आपके पेरेंट्स को आके बोलते होंगे वो कि भाई क्यों इसको हॉकी में डाल रहे हो, पढ़ाई कराओ, उसकी नौकरी लग जाएगी, करियर बन जाएगा, तो क्या इस तरीके के चैलेंजेस आपने भी फेस किए? हाँ, मैंने काफी किए, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो प्राथमिक टीचर हैं जी और मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, और लड़की एक उनके तरीके से भी देखा जाए तो मैं मानता हूँ अभी के उसमें सही भी, क्योंकि उनके एग्जाम्पल, जैसे आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी का एग्जाम्पल देते हैं तभी उनके तरीके, जैसे उसी तरीके से मेरे स्टेट में, मेरे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसके एग्जाम्पल देकर वो मुझे आगे बढ़ाने दें स्पोर्ट्स में। लेकिन वही चीज बोलूंगा कि जो उनका मना करना और मेरे अंदर वो हॉकी के लिए प्रेम, तो कहीं ना कहीं मुझे वही अंदर से आया कि नहीं मुझे करके दिखाना है। और आप उन पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनके बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं यंग एज में,
कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करें, उनको किस तरीके से मानसिक तौर पर तैयार करें, क्या उनको सपोर्ट दें कि जिससे वो देश और उनका नाम, प्रदेश का नाम हायर स्तर पर रोशन। मैं तो बस सभी पेरेंट्स से ये कहूंगा कि आप बस उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि बाकी जो भी इक्विपमेंट्स हो गए या फिर खेल सामग्री जितनी भी है, फाइनेंशियली देखा जाए तो अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, उस सभी अच्छी अकेडमी खोली है उन्होंने। तो मुझे बस यही कहना है कि आप बस उनके साथ रहिए, उनके जो डिसीजन है उनको सहारे, उनके डिसीजन को गाइड करिए कि नहीं आप सही हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि हम सब जो भी करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। तो देखिए हमारे देश में जितना सपोर्ट, जितना महत्व क्रिकेट और क्रिकेटर्स को दिया जाता है, उतना सपोर्ट दर्शकों का या किसी भी चीज का अन्य स्पोर्ट्स के लिए नहीं होता है। तो इस चीज पर आप इसको कितना सही या कितना गलत मानते हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा, हमारे देश में काफी पॉपुलर है और बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं, मतलब हम लोग भी मैच देखते हैं, मतलब कि इतना वर्ल्ड कप भी रिसेंटली जीत के हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ सभी जो सपोर्टर है, सभी फैंस है, क्रिकेट को हमारा ज्यादा वैल्यू है। और मतलब कि अभी जैसे कि और गेमों में मेडल आना चालू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स में, जैसे हमारा हॉकी का गेम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे मेडल लाएं ताकि हमारे जो सपोर्टर हैं और बढ़ें,